आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गई। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वसुर एक प्रगतिशील विचारक थे, उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गईं। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं। 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन। आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।